धार्मिक आस्था और विश्वास का एकमात्र चैनल रतनगढ़ धार्मिक। प्लीज सब्सक्राइब। नमस्कार, जय श्री श्याम, जय श्री करणी माता की, जय श्री बालाजी की। हमेशा धार्मिक वीडियो दिखाता हूँ और कई बार ऐसा मन हो जाता है कि आपको कोई नया कार्यक्रम दिखाऊं, तो आप देख सकते हो घर को मैंने भी यहाँ ताला लगा दिया है और मैं घर से रवाना हूँ, देख सकते हो अभी। और रवाना होकर के मैं पहुँचूँगा श्री ताल बालाजी मंदिर से पहले प्रजापति धर्मशाला के पास में अबोर से आए हुए यात्री, जो पैदल यात्री है, उनसे मुलाकात करने की मेरी बहुत इच्छा है कि वो इतनी दूर से आते हैं, क्या अनुभव है, इतनी दूर से आते हैं, कितने दिन लगते हैं, क्या उनका प्रोग्राम रहता है। पैदल यात्रियों के दर्शन करवाऊँगा, वहाँ पर जो गाड़ियाँ खड़ी है, कितनी गाड़ियाँ लेके आते हैं, क्या क्या भोजन बनता है, उन सब के दर्शन करवाने की कोशिश करूँगा। देखो, मेरा मन ये रहता है कि मैं हमेशा आपको इस प्रकार के जो धार्मिक कार्यक्रम है आपको दिखाता रहूँ, और शायद इसीलिए मेरा मन ये रहता है कि आप मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब जरूर करते होंगे। आपसे निवेदन भी करूँगा, हाथ जोड़ के निवेदन भी करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपके कमेंट्स से मुझे इतनी ताकत मिलती है कि मेरी यही इच्छा होती है कि मैं और ज़्यादा धार्मिक कार्यक्रम बना करके आप सब भक्तों को दिखाऊं। तो आज मेरा पहला, देखो मेरे को बहुत देर लगी है, एक वो कचरे वाली जो है ना गाड़ी, वो आई हुई थी, उसकी वजह से लगभग भी मेरे को यहाँ आधा घंटा पौन घंटा हो गया खड़े, वो गई, उसके बाद आवाज़ बंद हुई और उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अब यहाँ से चलेंगे प्रजापति धर्मशाला के पास, उसके बाद में श्री ताल बालाजी मंदिर, जो रतनगढ़ के अंदर श्री तालवल बालाजी मंदिर है, वहाँ पर बहुत सारे यात्री आज उतरे हुए हैं, उनके मैं दर्शन करवाऊँगा। बात होगी या नहीं होगी वो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा उनसे वार्तालाप करने की। तो आज नवरात्रों का लास्ट दिन है, नवरात्रों का दिन नवमी है, और सालासर के जो यात्री पैदल खूब जा रहे हैं, तो एक बात हनुमान चालीसा के अंदर साफ लिखी हुई है कि संकट कटे मिटे सब पेरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। कहते हैं कि हनुमान जी को जो स्मृता है उसके कष्ट बाबा श्री अपने आप हर लेता है। तो मैं ये निवेदन करूँगा, सभी श्री बालाजी महाराज की जय जयकार बोलो, हनुमान चालीसा का पाठ करो। और अब मैं यहाँ से रवानगी लेता हूँ प्रजापति धर्मशाला पहले, उसके बाद में पहुँचेगी हम श्री ताल बालाजी। जय श्री श्याम। थोड़ा सा कट कर दो आप। तो आप देख सकते हो कि सिया राम संघ अबोर की तरफ से सालासर पैदल यात्रियों के लिए भंडारा, चाय एवं नाश्ता, लिखा हुआ है रोशनलाल गुप्ता, सुरेंद्र आहूजा, बिट्टू कटारिया। ये पूरा संघ अबोर से सालासर पैदल यात्रियों की तरफ से है। देखो अब यहाँ जो भक्त क्या कार्यक्रम कर रहे हैं वो आपको दिखाते हैं। देखिए रास्ते के अंदर इनको क्या दिक्कत होती है, क्या आनंद आता है, वो बात करने की कोशिश करते हैं। देखो भाई साहब, जय श्री श्याम। भाई साहब, एक छोटा सा चैनल हमारा रतनगढ़ धार्मिक, इस चैनल पर हमेशा मैं धार्मिक कार्यक्रम दिखाता हूँ, और आप जैसे पैदल यात्रा हो, तो कहाँ से आए हो आप? हम सर अबोर से आए हुए हैं। कितने दिन लग गए आपको? सर 9-10 दिन हो गए। तो आप जैसे वहाँ से रवाना होते हो, तो रवाना होने से पहले आपको बाबा क्या ऐसा अनुभव देता है कि आपका मन हो जाता है सालासर जाने का? सर हम हमेशा आ रहे हैं साल भर। कितने साल हो गए आपको? हमको हो गए 8-10 साल हो गए। 8-10 साल हो गए। क्या नाम बताया आपका? रामराज। रामराज जी, वाह सर, नाम भी आपका रामराज जी है। तो जीवन में बाबे से आप जैसे सालासर जा रहे हो, कुछ मांगने जा रहे हो या सिर्फ यात्रा करने? आनंद आता है। हाँ, अच्छा, रास्ते के अंदर कोई ऐसी कोई परेशानी ना? कोई चीज का परेशानी नहीं सर, बिल्कुल। तो ये आपने जो गाड़ी ले रखी, इस गाड़ी के अंदर क्या क्या सामान है? जैसे इसमें सर राशन होता है सर, सारा। कितने दिनों की यात्रा होती है आपकी? ये 10 दिन का होता है सर, 10 दिन का राशन होता है सारा रास्ते का। और साला सर जाके आप भंडारा करते हो, क्या करते हो? हाँ सर, घूम के आते हैं फिर भंडारा करते हैं, बाकी रोज तो डेली चलता रहता है। अच्छा, भंडारे के अंदर जैसे आप खुद के लिए भंडारा करते हो, लोगों को भी खिलाते हो? लोगों के लिए। खूब सर। क्या बनाते हो भंडारे के अंदर? सर सारा कुछ बनता है, नूडल हो गया, टिक्की हो गया, चिल्ली बनता है, मंचूरियन बन जाता है सर, पाव भाजी बन जाता है, और खीर बन जाता है, हलवा बन जाता है। तो सर सुबह ब्रेड फाट देते हैं, ब्रेड गर्म करके देते हैं, तोसा देते हैं, तोस देते हैं, शक्कर पारे देते हैं, तो कि नाम है पेठा देते हैं, ये सब फास्ट फूड में। कितने भी भक्त कोई भी है? अच्छा, और 3 घंटा शाम को। अच्छा, रास्ते के अंदर सालासर में भंडारा लगाते हैं फिर? हाँ जी, सुबह लगेगा जी, सुबह। हाँ जी, सुबह लगेगा। ठीक है, आपकी 10 दिन की यात्रा रहती है। आपका शुभ नाम क्या है? सर बिरजलाल वर्मा। बिरजलाल वर्मा। मेरा नाम रतनलाल वर्मा जी। चलो जी, आपका मैं इस हमारे धार्मिक चैनल में स्वागत करता हूँ। धन्यवाद भाई साहब, नमस्कार। थोड़ा सा ऊंचा रखना कैमरा, थोड़ा सा 1 मिनट खड़े हो वैसे आप। देखो ये भाई साहब, देखो अभी तैयारी कर रहे हैं नाने की, हम इनको बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। भाई साहब जय श्री श्याम। कहाँ से?
बहुत ही आनंद आता है। और भी पैदल यात्री मिलेंगे, उनसे मैं वार्तालाप करवाऊंगा, बातें करवाऊंगा और जो भी बातें होंगी आपको बताऊंगा। देखो सामने देख सकते हो सारी गाड़ियां, देखो आप सामने देख सकते हो, आगे लेके आना थोड़ा सा, हाँ ये देखो आप, देखिए आराम भी कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम चलेंगे हम सीधे श्री ताल बालाजी के मंदिर के अंदर, जो भक्त ठहरे हुए उनसे वार्तालाप करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, जय श्री बालाजी की। तो आप देख सकते हो कि अब मैं पहुंच चुका हूं श्री ताल बालाजी मंदिर। तो वहां कितने यात्री हैं, क्या कर रहे हैं, आपको जानकारी करवाते हैं। ये देखो आप देख सकते हो पैदल संघ यात्री का एक तो यहां साधन है। बालाजी के दर्शन करवा दूं, माफ करना, श्री ताल वाले बालाजी मंदिर के अंदर श्री श्याम बाबे के यानी खाटू वाले श्री श्याम जी के दर्शन करवा दूं। सामने आप मंदिर देख सकते हो, रतनगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर है, जहां हमेशा अखंड ज्योत जलती रहती है 24 घंटे तक अखंड ज्योत और 24 घंटे अखंड कीर्तन चलता रहता है। हमेशा लाखों की संख्या के अंदर डेली कीर्तन होता है यहाँ पर। कितने कीर्तन होते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन लाखों की संख्या के अंदर डेली कीर्तन यहाँ 24 घंटे होते हैं। तो आप देख सकते हो, पहले मैं आपको दिखा दूँ ये भक्त, देखो जितने भी पैदल यात्री हैं हमारे को जो भी भक्त मिलेगा बात करने की कोशिश करेंगे, इनसे जानकारी लेंगे भाई साहब आज कितने दिन हो गए। क्या वो भाई साहब देखो लेटे हैं, उनसे बात करते हैं। आइए भाई साहब, नमस्कार भाई साहब, जय श्री श्याम। देखो मेरे को ये भाई साहब सबसे पतले जो नज़र आए, सिर्फ ये भाई साहब नज़र आ रहे हैं मेरे को, जय श्री श्याम, सबसे पतले जो नज़र आ रहे हैं भाई साहब। देखो भाई साहब प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। देखो मेरा है छोटा सा धार्मिक चैनल, मैं इस धार्मिक चैनल पर हमेशा इस प्रकार के जो कार्यक्रम हमेशा दिखाता रहता हूँ। रतनगढ़ के अंदर, रतनगढ़ हो, बीकानेर, जयपुर, गंगानगर, कहीं भी हो, मैं जहाँ भी जाता हूँ इस प्रकार के कार्यक्रम बनाता हूँ। चैनल बिल्कुल छोटा सा है, लेकिन मेरे को रुचि रहती है हमेशा कि मैं जितने भी जब भी पैदल यात्री निकलते हैं ऐसे एक वीडियो ज़रूर बनाता हूं उनसे बात करने के लिए। मैं आपसे सिर्फ ये जानकारी लेना चाहता हूं कि आप जहां से पधारे हो और आपको बालाजी ने प्रेरित किया था साला सिर्फ पैदल जाने के लिए, तो आपको क्या अनुभव हुआ, आपको कोई सपना आया या दर्शन दिए या अपनी इच्छा से, या आपको कोई ऐसा महसूस होता है कि मैं जा रहा हूँ मुझे ये लाभ होगा, या आपकी कोई भी मनोकामना है? ठीक है जी, मैं पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, आपका नाम जानना चाहूँगा। राहुल, राहुल जी, तो राहुल जी हमारा चैनल तो मैंने आपको बता दिया, आप आए कहाँ से हो? अबोर से ही, अबोर पंजाब। अबोर पंजाब, तो अबोर पंजाब से है, तो यहाँ क्या साधन लेके आयो, पैदल जा रहे हो? हमारे पास साधन भी है जी, पैदल भी है। तो अभी पैदल, आप पैदल जा रहे हो? मैं कुछ रास्ते पैदल जाता हूँ, मेरे पैर में छाले होंगे थे जब करके मैं कुछ, हाँ जी थोड़ा पतला है ना, हाँ जी शरीर पतला, मेरे से नाराज तो नहीं हो रहा? नहीं नहीं नहीं, ये तो बाबे का नाम है। तो बालाजी को छोटी स्तुति आपको आती है कोई? हाँ जी, कोई भी प्रकार की बालाजी को स्तुति आती है आपको? स्तुति मतलब बालाजी की प्रार्थना, कोई प्रार्थना, कोई भजन, भजन क्यों आते हैं? हाँ जी, एक भजन को छोटा सा बस, जय कर वीर बजरंगे, इन्होंने भजन तो सुना दिया। अब इनसे जानकारी लेते हैं कि आप जब अबोर से रवाना हुए, आप रतनगढ़ पहुंचे हो, तो बीच में आपको क्या आनंद और क्या कठिनाई आई है? हमें आनंद ही आया जी, हाँ जी, अच्छा। सुबह शाम बालाजी का, सुबह शाम सारे दिन बाबा का गुणगान करते हैं जी, भजन कीर्तन करते हो? हाँ जी, आप गाते हो भजन? बस साथ साथ में गाते हैं जी, जो भजन गाते हैं उनसे जरूर मुलाकात करेंगे हम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बंटी जी, बंटी, हाँ जी, ये रही, ये हाँ जी, बैठो। तो अच्छा अब एक बताइए, आप जाकर के जैसे वहाँ पहुँचते हो बोर के अंदर, मैं देखो यहाँ जो भावना है ना, भक्तों की जो भावना है, वो भावना, ये एक ऐसा चैनल है कि वो भावना बताना चाहता हूँ भक्तों को भी, जो आप जाकर वापस आते हो आपको क्या आनंद आता है। तो आप जैसे वापस जाते हो, क्या आपको कितने साल हो गए? मेरे को तो 10-15 साल हो गए जी आते को। अच्छा? हाँ जी, पैदल से 2 साल से आ रहा हूँ। अच्छा, तो आप जब जाकर अबोर वापस पहुँचते हो आपको क्या क्या महसूस होता है? बहुत बच्चे, सब कुछ मिलता है, बाबा ने बहुत कुछ दिया है जी। अच्छा? हाँ जी, तो आप देख सकते हो बाबे की इतनी कृपा है, एक ही बात कह रहे हैं कि मुझे बाबे ने सब कुछ दिया है। तो मैं रतनगढ़ धार्मिक चैनल की तरफ से कहना चाहूँगा, आपकी जो भी मनोकामना श्री बाबा सालासर वाले आपकी पूर्ण करें, जय श्री बाबा। तो भाई साहब हमारे साथ और है, ये भी बोर्ड से, शुभ नाम जी, सूरज जी, देखो सभी एक बात की आपकी प्रशंसा कर रहे हैं कि आपको भजन आते हैं। कितने दिन हो गए आपको रवाना हुए?
रिमांड हुए हमें 8 दिन हो गए जी। आप पैदल चलते हो? पैदल चलता हूँ, 24 साल हो गए आपको। 24 साल हो गए, क्या काम करते हो आप? शूज मार्केटिंग का काम करता हूँ। बाबी की फुल कृपा, बालाजी की फुल कृपा। जाने से पहले आपको क्या अनुभव हो जाता है, क्या ऐसा महसूस होता है कि आप यात्रा करो? बाबा की तरफ लगन लगी हुई है, हमारे साल आते ही आते हैं। अच्छा? लॉकडाउन में भी आए थे, नोजने आए थे। अच्छा? अपने लगन मंदिर बंद था तो भी आए थे। हाँ जी, नियम पक्का है आपका? नियम पक्का। एक भजन सुना दो आप। चलो छोटा सा, चलो ना भजन गा रहे हो। देखो आपका भजन रिकॉर्ड हो रहा है यूट्यूब के अंदर, सभी देखेंगे आपको। आसरो बालाजी मन थारो थे कष्ट निवारो, पधारो मारे आंगन पधारो, थारी में बुलावा जय जयकार, थारी में बुलावा जय जयकार, जयकार साला सर में सजो है दरबार, ते तारन हार। चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपने मन से गाया, मन से गाया। तो आप यहाँ कब पहुँचे थे रतन गढ़ के अंदर? आप कितने पहुँचे? सुबह 9 बजे आ गए थे। यहाँ क्या क्या प्रोग्राम बाबा का? हम बाबा का ये यहाँ पे भोग लगता है पहले आते ही। अच्छा। फिर ब्रेकफास्ट हुआ अभी। अच्छा। अभी खाने का भोग लगेगा। जो तो ये हमारे पंडित जी है। अच्छा। ये संभालते जाएगा सारा जो भी होता है। हाँ, सुबह शाम आरती करते हैं? सुबह शाम आरती करते हैं, सुबह नहीं करते, एक टाइम करते हैं। सुबह करते हैं, शाम को कीर्तन करते हैं। अब जैसे यहाँ से आप रवाना हो गए रतनगढ़ से, तो वहाँ आपका रेस्ट कहाँ होगा? रेस्ट कनवारी है, कनवारी होगा। अच्छा, वो बालाजी का मंदिर है? बालाजी का मंदिर नहीं, किले में करते हैं। पुराने किला है ना, जैसे इधर बना हुआ किले में, किले में करते हैं। देखो आपसे मिले, बड़ी बड़ी खुशी हुई मुझे। और मैं बालाजी से प्रार्थना करना चाहूँगा आप सब भक्तों के लिए, जो भी आपकी मनोकामना बालाजी आपकी पूर्ण करे। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी। जय करे वीर बजरंगे हर हर महादेव। तो रतनगढ़ धार्मिक थोड़ा याद रख लेना, यूट्यूब के अंदर 2-4 घंटे बाद लगाऊंगा। आइए देखो, इधर दिखाना ये भाई साहब, देखो टाइम पास कर रहे हैं ये, देखो खेल रहे हैं भाई साहब। तो और भक्तों से मिलते भाई साहब, छोटी सी जानकारी लेंगे आपसे। देखो आप सबसे छोटी उम्र के लग रहे हैं मेरे को आप। हैं जी वहाँ, तो छोटी उम्र और भी है क्या? अच्छा, उनसे ये इनसे मिलेंगे, इनसे मिलेंगे। तो देखो हम, देखो इस प्रकार के जो प्रोग्राम देखते हैं उनको भी आनंद आता है, और जो प्रोग्राम बनाता है उसको भी आनंद आता है। मेरे को देखो बहुत आनंद आता है, मैं धार्मिक कार्यक्रम जब भी बनाता हूँ ना, मेरे को खूब आनंद आता है। और मैं जब बचपन से ना, मतलब जब, अच्छा पहले ये बताओ आप रास्ते के अंदर जब चलते हो, पैदल यात्रियों को देखते हो, आपको कैसा महसूस होता है? बहुत हर्ष महसूस होता है उन्हें देखकर। क्या होता है? मतलब उन मन में ना अच्छा, खूब अच्छे से महसूस होता है। यहाँ भी सभी जा रहे हैं बाबा के, ये जो खाली सुनसान सड़कों पर आधी रात को देखो, मतलब रौनक लगी होती है। ये सब किसकी कृपा है? ये श्री बालाजी महाराज की। बालाजी स्वयं आते हैं, अपने को सबको बालाजी वहाँ निमंत्रण देती है, पत्र देते हैं कि आप सबको आना है। जी जी जी, हाँ जी ठीक है। आपका शुभ नाम जी? कपिल। कपिल जी आपका चैनल में स्वागत है। मैं प्रार्थना करूँ बाबे से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जी। तो ये छोटा सा बालक एक और है बाबू, क्या नाम आपका? संचित कुमार। अंकित कुमार? अंकित संचित। संचित, ओ मुझे तो नाम भी याद करना पड़ेगा। संचित यानी आप पैसों को बहुत रोको, ये है इजी नाम। नक्श। इजी नाम नक्श। नक्श, अरे यार ये तो दोनों नाम बड़े मुश्किल से नाम है। अच्छा कौन से पढ़ते हो आप? सिक्स में। क्या नाम पापा का? संजीव नागपाल। संजीव नाम, कहाँ से हो आप? मलोट। मलोट से? अब मलोट से हो तो ये गोर के अंदर क्या ननियाला क्या आपका? अच्छा नान के दाद के जाल तक। अच्छा आप नान के से आए भी हैं? अच्छा अच्छा, अब ये बताओ आप पैदल चल रहे हो? बीच बीच में कार में भी। कार में बैठते हो? कितनी बार आए हो या पहली बार आए हो? पहली बार आए हैं पैदल। अच्छा अब जैसे आप पैदल यात्रियों को देखते हो, आपको क्या आनंद आता है बता सकते हो भक्तों को? देखो आपको देख रहे हैं लोग, अच्छा लगता है, फील अच्छा होता है माइंड को। क्या फील होता है? अच्छा होता है, फील मींस माइंड को बहुत फील होता है। अच्छा है, तो आप बालाजी से क्या कहना चाहोगे, क्या मांगोगे बालाजी से? बहुत कुछ है बालाजी ने दिया, बहुत कुछ। देखो छोटे सा बच्चा भी ये कह रहा है कि बालाजी ने हमारे को बहुत कुछ दिया है। देखो मेरे भी आंखों में कई बार पानी आ जाता है कि जब ऐसी ऐसी जो बातें सुनता हूँ, इस प्रकार जो कार्यक्रम मनाता हूँ, ये सिर्फ 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 बालाजी की कृपा इन सब भक्तों के ऊपर है, तभी ये बालाजी की भक्त ऐसी बातें करते हैं। तो बाबू आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आगे जाके पढ़ना और पढ़ाई करना, और हमारा चैनल जरूर देखना। क्या नाम बताया मेरे चैनल का आपको बताएं? रतनगढ़ धार्मिक, ठीक है, यूट्यूब है, ठीक है, ओके। जय श्री बालाजी। जय श्री राम। ठीक, जय श्री। तो ठीक है, ये देखो भक्त सो रहे हैं, ये टाइम पास वाले बंदे हैं, चलो इनके भी दर्शन करा देते हैं। ये देखो टाइम पास वाले बंदे बता रहे हैं, चलो जी और दर्शन करवाते हैं थोड़े से ऐसे, ठीक है साहब। जय श्री बालाजी। जय श्री बाला। ये भाई साहब रेट आराम करें, और भी चलते हैं, आपको दजा के दर्शन करवा दें, फिर से देखिए आप दजा के दर्शन। ये देखिए अब
पंडित जी बैठे हैं। पंडित जी जय श्री राम, जय श्री राम। तो आपसे भी थोड़ी मुलाकात कर लें, आपके चरणों में दो खा लें। तो आप तो क्या सेवा करते हो? सेवा करते हैं। अच्छी सेवा करते हो पंडित जी आप? हाँ जी, हाँ जी। मंदिर के मंदिर बनाते हैं? नहीं, मंदिर नहीं, सिर्फ यात्रा की। यात्रा यात्रा की पंडित जी। क्या नाम आपका? रामशरण कश्यप। रामशरण कश्यप। तो आप इतने दिनों से आ रहे हो, आपको क्या आनंद आ रहा है? बहुत आनंद आ रहा है। पैदल चल रहे हो? पैदल चलते हैं जी। हाँ जी, 17-18। जीवन का कोई ऐसा अनुभव बता सकते हो मुझे, जिससे आपको मतलब ऐसा फील हो कि बालाजी साक्षात है, बता सकते हो कोई? जी, मेरा एक बहुत 3 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था। बहुत इधर देखिए ना। अच्छा, 3 साल पहले मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा, हनुमानगढ़ के पास शेरगढ़। अच्छा, तो उसमें मेरी कोई वो नहीं थी, बचने की उम्मीद नहीं थी, उम्मीद थी। लेकिन बालाजी ने मेरी इसी कृपया की और ध्वजा उसी हफ्ते मैं ध्वजा चढ़ाने भी आया। अच्छा, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। बालाजी कितनी कृपया, इतनी कृपया की। देखो भाई साहब ने कितना बड़ा चमत्कार बताया। कहते हैं एक्सीडेंट हो गया था शेरगढ़ के पास हनुमान, मैं हमारे चैनल रतनगढ़ धार्मिक में आपका मैं स्वागत करता हूँ। बालाजी से ये निवेदन करना चाहूँगा, बालाजी अगर आप कहीं भी बैठे हो, सुन रहे हो, तो इनकी जो भी मनोकामना जरूर पूर्ण करना। जय श्री बालाजी, जय श्री। एक जयकारा लगा दो। जयकारा वीर बजरंगी। तो आप दर्शन कर सकते हो। देखो एक मूर्ति भी साथ में है, श्री बालाजी महाराज की मूर्ति। और भी भक्त हैं, आपको दिखा दें। देखो रतनगढ़ के श्री ताल बालाजी मंदिर के अंदर सभी भक्त अभी आ रहे हैं। सुबह ही आए थे।